आके मुझसे पूछते हैं यार कोई बढ़िया से इन्वेस्टमेंट बता, हमारे पास टाइम है पैसा है, तो क्या हम फिक्स डिपॉजिट खोल दें, म्यूचुअल फंड में डाल दें, शेयर बाजार में डाल दें, कौन सी इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया रहेगी? सिर्फ एक और एक ही इन्वेस्टमेंट है जो आपको सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा रिटर्न दे सकती है, और वो है खुद में इन्वेस्टमेंट करना। जितना भी समय, जितना भी वक्त, जितना भी अपना पैसा आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, बिताएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट इससे बढ़िया कहीं और नहीं हो सकती। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम ऐसे इंसान बन जाएं जो ग्रो करना ही बंद कर दे, अगर हम सिर्फ वही एक इंसान हैं जो पिछले साल भी थे, पिछले 2 साल भी थे, तो अल्टीमेटली कोई ना हमारे साथ काम करेगा, ना हम किसी की वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, और हमारे पास जो भी पैसा बचा हुआ है हमारे पास, वो भी जंग खाता रहेगा। अपने ऊपर की इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। एक दूसरा फायदा भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का ये होता है कि जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को दिखता है, लोगों को ये दिखता है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। एक घमंड वाला प्यार नहीं, सच्चा प्यार। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक तजुर्बा है, एक विश्वास है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करके रहूंगा। इंटरव्यू था शाहरुख खान का, और एक रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि शाहरुख खान आप हमेशा ये क्यों बोलते रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और उनका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि यार अगर मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा आई एम द बेस्ट, तो कोई भी मेरे सामने खड़ा हुआ कभी भी ये नहीं बोलेगा यू आर द बेस्ट। सब कुछ आप ही से शुरू होता है। तो अगर अपने ऊपर करी इन्वेस्टमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के 5 स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। सबसे पहला क्रिएटिविटी। अपने बचपन को याद करिए, घंटों बिता देते थे हम खिलौनों के साथ, एकदम मग्न। हम पहियों के साथ खेल लेते थे, हम लट्टू के साथ खेल लेते थे, हम पेपर पे रैंडम कलर करते रहते थे, हम पेंसिल और पेपर के साथ कुछ कुछ बनाते रहते थे, दीवारों पे कुछ लिखते रहते थे। ये फर्क नहीं पड़ता था कि हम कुछ ठोस कुछ सही बना रहे हैं, ये फर्क पड़ता था कि हम अपने ख्यालों में, अपनी क्रिएटिविटी में कहीं गुम हो गए हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, कहीं हमने इस क्रिएटिविटी को ही भुला दिया। हम काम करने की रट में फंस गए, रोज की जद्दोजहद, वो उठो, ब्रश करो, काम पे जाओ, बॉस को हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, गुड बाय बोलो, वापस आओ, इस सारे चीजों के दरमियान हम अपने आप की क्रिएटिविटी को कहीं प्रॉस्पर नहीं करने देते। तो सबसे पहली चीज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने आप की क्रिएटिविटी को मरने मत दीजिए। कुछ ऐसा करिए हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, जो आपकी क्रिएटिव जूसेस को बाहर लाए। गाइए, कुछ बनाइए, कुछ सीखिए, चाहे वो कोई खेल हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई नाटक हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको करने के लिए ना आपको कोई पैसे दे रहा है, ना वो चीज करके आपको कोई पैसे मिलेंगे, आप सिर्फ वो चीज उसके प्यार के लिए कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी के लिए कर रहे हैं। दूसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने अंदर अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाएंगे, तो वो बहुत जरूरी होगा अपने ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लोग आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के काफी तरीके हैं, काफी नुआंसेस हैं, काफी पॉइंट्स हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम जनरेट कैसे करते हैं, हम अपने आप पे विश्वास करना कैसे सीख सकते हैं। और आगे की क्लासेस में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में काफी कुछ सीखेंगे, पर ये याद रखिएगा, दूसरी चीज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरी, जो बहुत फंडामेंटल है, हम सब जानते हैं लेकिन जरूरी है, नॉलेज, एजुकेशन। और नॉलेज एंड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल की क्लास में बैठ गए हैं, आप कॉलेज की क्लास में बैठे हुए हैं, आपने ये कोर्स खत्म कर दिया है, आपके इतने नंबर आए थे, ये सब नहीं। क्या आप जनरली कुछ जानते हैं? क्या आपके दिमाग में किसी टॉपिक के ऊपर एक स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपने समझा है? क्या ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू को आपने समझा है? क्या आप दुनिया के बारे में जानते हैं, ये कैसे चलती है, क्यों चलती है, कब चलती है? क्योंकि ये ही फंडामेंटल नॉलेज है, इसी को एजुकेशन कहते हैं, कि क्या आप इस दुनिया के बारे में वो सब जानते हैं जो आपको जानना जरूरी है। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, लोगों से बातें करिए, ऐसे लोगों से जिनका नजरिया, जिनका वर्ल्ड व्यू आपसे अलग हो, क्योंकि उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको अभी तक नहीं पता था।
तो तीसरी चीज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए, एजुकेशन, नॉलेज। चौथी चीज अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपकी हेल्थ, आपकी हेल्थ, और ना ही आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ भी। क्या आप अच्छे से खाते हैं? क्या आप अच्छे से सोते हैं? क्या आप मेडिटेट कर पाते हैं? क्या आप ध्यान करते हैं? क्या आप उन सारी चीजों से दूर हैं जो आपकी बॉडी को हार्म देती है? सिगरेट स्मोक करना, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ड्रग्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपको रियल जिंदगी से दूर ले जा रही है और आपको एक बहुत ही छोटा सा मोमेंटरी हैप्पीनेस या हैप्पी मोमेंट दे रही है, कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप कभी भी उसकी वजह से अपने ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सही खाइए, एक्सरसाइज करिए, कोई स्पोर्ट खेल लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी को जिम जाना है, जरूरी नहीं है कि रोज जाना है, लेकिन अपनी बॉडी को उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप किसी और चीज को ध्यान देते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ ही सब कुछ है। और पांचवी और आखिरी चीज, अपने फाइनेंसेस, आपका पैसे की तरफ नजरिया। आप अपने पैसे के साथ कितने केयरफुल हैं, कितने अवेयर हैं? क्या आपको समझ भी आती है कि क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, एक डेबिट कार्ड कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करती हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे खेला जाए? अगर मैं एक फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल रहा हूं, उसका क्या मतलब है? मैं कितने साल पे अपनी सेविंग शुरू करूं, कितना मुझे सेव करना चाहिए? ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन पैसा जरूरी है इस जिंदगी में, इस दुनिया में पैसा जरूरी है, लेकिन उस पैसे से आप कैसे और पैसा बना सकते हैं, ये कला बहुत ही कम लोगों को आती है। और जिन जिन लोगों को आती है वही अपने ऊपर सही इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये पांच चीजें जो आपके अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिविटी, अपने आप को टाइम दीजिए क्रिएटिव होने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखें। नॉलेज, एजुकेशन, ये जानिए, ये सीखिए कि ये दुनिया कैसे चलती है। हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेट करिए, ठीक से सोइए, वो सारी चीजें मत करिए जिससे आपके शरीर को नुकसान मिलता है। और फाइनली, आपका पैसे की तरफ नजरिया, योर फाइनेंसेस, आप उसको कैसे देखते हैं, संभालते हैं, उसको कैसे ग्रो करते हैं। इन पांच चीजों के चलते आप अपने ऊपर सबसे मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड अब शायद आपको पता चल चुका होगा कि अगर आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, तो आप पांच में से सिर्फ एक चीज को पकड़ रहे हैं, जबकि पूरी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन पांचों से बनी होती है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।